नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ अजय एक छोटी सी कहानी देकर। जब मैंने देखा एक कबीर, बात पुरानी है उस समय की, जब मैं सिंगरौली जिला के बिन्हनगर स्कूल में अध्यापक था और वहीं नवजीवन बिहार के सेक्टर एक में किराए का मकान लेके अपने परिवार के साथ रहता था। नज़दीक ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था और वहाँ दवा की दुकान के रमेश भाई से परिचय हो गया और वो अच्छी खासी दोस्ती में बदल गई। तो ये होता कि जब भी मुझे समय मिलता, स्कूल से लौटता, हाथ मुँह धो के नाश्ता करता, उसके बाद फिर सीधे रमेश भाई की दुकान में जा डटता। संडे के दिन सुबह भी यही होता और बस खाना खा के दोपहर में भी फिर रमेश भाई की दुकान में, यही दिनचर्या थी। और रमेश भाई भी वो असल में चुंबक थे, ये कहें कि चलता फिरता अखबार थे लोकल, और लोकल अखबार ही नहीं, उनसे चर्चा आप करिए तो लोकल से ग्लोबल तक की हर विषय पे चर्चा करेंगे। दो अखबार मंगाते थे, एक तो लोकल रहता था एक नेशनल, तो इस वजह से पढ़ती थी हमारी अच्छी खासी। किसी को ढूंढना हो कि मास्टर साहब कहाँ मिलेंगे, कहीं रमेश भाई की दुकान में देखा हो पहले। यहाँ तुम लोग बैठे उस दिन किसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, अचानक एक आवाज़ ने हम दोनों का ध्यान खींचा। आवाज़ विनम्र थी लेकिन दयनीय नहीं थी, कड़क थी। आवाज़ यह थी, सेठ जी कार्टून आप मुझको देंगे क्या? नज़र पड़ी तो काउंटर के सामने एक बुजुर्ग करीबन 65-70 से कम उम्र न रही होगी, औसत कद काठी लेकिन मजबूत, मोटे कपड़े की लुंगी और कपड़े की ही बनियान जिसमें जेब लगा रहता है, गांव के लोग पहनते हैं, वो पहने थे। और भोला सा चेहरा उनका, मुस्कान, सांवला रंग, एक अजब व्यक्तित्व। रमेश भाई ने टालने की गरज से कहा कि चचा कल है तो बेच दिए, अब फिर आइए तो आपको देंगे। अच्छा सेठ जी, ठीक है, मैं फिर आऊँगा, कह के उसी मुस्कान के साथ सामने दुकान के हाथ ठेला दिए थे, खड़ा किया था, उसको लेके आगे बढ़ गए। उसके बाद कई बार रमेश भाई की दुकान पर उनसे बुजुर्ग से मुलाकात हुई, आते थे, रमेश भाई कार्टून निकाल दें, उसको अपने हाथ से तोड़ना, तोड़ के बड़ा सा गट्ठर बनाते, उसके बाद जब तौलते तो रमेश भाई से कहते, सेठ जी आइए तौल देख लीजिए। रमेश भाई कहते, अरे चचा तौल आपकी कहाँ देखना, आप तो बिल्कुल खरा सोना की तरह हैं, चलिए। और फिर वो उसी हिसाब से पैसा गिनकर काउंटर पर रख के चले जाते। रमेश भाई ने बताया कि चचा का सिक्का जम गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, अब सब दुकानदार इन्हीं को कार्टून देते हैं। एक तो यह है कि तौल बिल्कुल सही और पैसा कभी उधारी नहीं करना, नगद जितना आप कहे माल उतना दे जाते हैं चचा, सब लोग इनको कार्टून देते हैं। और चचा की खासियत एक और भी है, हमने कहा रमेश भाई, कहे चचा भजन बहुत बढ़िया गाते हैं, हमने कहा सुनवाओ, कहे हाँ किसी दिन। संडे का दिन था, रमेश भाई की दुकान में बैठा था, चचा आ गए। रमेश भाई ने कहा, चचा आज मास्टर साहब की रिक्वेस्ट है, भजन आपको सुनाना है। कहे हाँ सेठ जी, बस ये कार्टून दुकान से इकट्ठा कर लूँ, उसके बाद आता हूँ। चचा आगे बढ़ गए। उसके बाद करीब एक दो घंटे बाद चचा पूरा ठेलिया लादे कार्टून से आए, आके रखा और बोतल से अपने पानी निकाल के पीने लगे। रुको चचा, ये पहले दो बिस्कुट खाओ। दो बिस्कुट खाया, धन्यवाद दिया, पानी पिया, उसके बाद बैठे। कहे चाचा फिर हो जाए? कहे हाँ। वो गजब की आवाज, बुलंद, इतना बढ़िया कबीर का निर्गुण गाया कि उस वक्त आंख मूंद के लग रहा था कि कबीर साहब ही गा रहे हैं। कई निर्गुण सुनाने के बाद फिर कहा चले, देर होगी, भोजन भी करना है, चले गए।
रमेश भाई से पूछा कि रमेश भाई देखो ये उम्र जो है इनकी तो नाती पोतों के साथ खेलने की है, जीवन भर मेहनत किया होगा शरीर बताता है, बुढ़ापा आराम करने की है, इस उम्र में ये इतना काम करते हैं, धूप सर्दी सब में आते हैं, पता नहीं क्या मजबूरी हो। रमेश भाई ने कहा ये अपने बारे में बहुत कम बोलते हैं, नहीं बताते। कहे हमें इनके बारे में कुछ पता चला, ये हमारे यहाँ आते हैं निरंकारी मिशन के कुछ लोग दवा लेने कभी कभी आते हैं, तो उन्होंने बताया इनके बारे में कि एक दिन चचा आए, सिर्फ एक झोला था इनके हाथ में और उसमें अंगौछा और थोड़ा सा कुछ सामान, और कहा कि भैया प्यास लगी है पानी मिलेगा। हम लोगों ने इनको बैठाया, पानी पिलाया। चचा कहाँ आए कैसे आए, बताया कि भैया हम यहाँ बैठन आए थे, एक हमारे परिचित थे और उन्होंने कहा था कि भाई कभी आना, हमारे मित्र थे नज़दीकी, तो आए तो जब पता चला कि वो जो है प्राइवेट उसमें काम कर रहे थे, यहाँ प्लांट में कंपनी में सुपरवाइजर थे, तो इनकी कंपनी ने कहीं इनको और दूसरी जगह पे भेज दिया। अब चले गए, किराए के मकान में रहते थे, तो उन्होंने बताया कि भाई तो 15 दिन पहले चले गए छोड़ छाड़ के, तो अब क्या करें, रैन बसेरा के लिए भी जगह चाहिए। तो इनकी उम्र देख के स्वभाव देख के हम लोगों ने कहा ठीक है चाचा आप यहीं रह जाए। उसके बाद सुबह ये उठे तो जिस तरह हमारे आश्रम के दूसरे भाई लगते हैं, सबके साथ लग के झाड़ बटोरा पूरा आश्रम पे किया, पानी भरने लगे, सब्जी, ये लग ही नहीं रहा था कि हमारे आश्रम के नहीं है, लग रहा था कि हमारे बीच के आदमी है। खाना बनाने से लेकर तक हर काम में, बर्तन मंजवाने तक में सब में लगे रहे। तो होगी चाचा अब क्या सोचा, क्या हम तो यहाँ पे आए थे, दोस्त ने कहा था कि भाई कुछ काम आप यहाँ कर सकते हैं, तो अब तो वह है नहीं, फिर वापस जाने की सोच रहे हैं, और अगर ये होता तो कुछ काम ढूंढ लेते अगर आप लोग सहयोग करें। तो यह कि नहीं चाचा आप रहिए, जितने दिन रहना है रहिए। फिर चाचा रहने लगे, भजन बहुत ही अच्छा चाचा गाते हैं, हम लोगों को लगा ही नहीं कि ये कोई अजनबी है जो हमारे बीच में आ गए। उसके बाद फिर चाचा ने ही ढूंढ के ये अपना किराए पे हट ठेला दिया, और हम साथियों से ही उन्होंने 200 रुपये उधार लिए, उधार से ये कार्टून का काम किया, और आज ये जो कमाते हैं, जो इनके शरीर का भोजन और ये लुंगी और बनियान इनकी है, उसके बाद जो पैसा बचता है वो आश्रम को दे देते हैं, ये तो हमारे घर के ही है। उसके बाद फिर जब जब मैं चाचा को देखता तो यही लगता कि कबीर साहब भी इसी तरह कपड़ा बुनते रहे होंगे, जुलाहा थे और सर पे गट्ठर लाद के चद्दर अंगौछा गली गली आवाज लगा के बेचते रहे होंगे, और मुझे दिखने लगा एक बार फिर कबीर। धन्यवाद।